गणपते नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं गणेश जी को खुश करने का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय, सबसे आसान उपाय हम आपको बताने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें हमारी इसी तरह की उपाय कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए। देखो, गणेश जी के दिन चल रहे हैं और इन दिनों में आप कर्ज मुक्ति के लिए उपाय कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं, संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, घर में सुख समृद्धि के लिए कर सकते हैं। जो भी आपकी दुख है, जो भी संकट है, सभी के लिए इन 10 दिनों में आप प्रार्थना कर सकते हैं गणेश जी से। इनसे बढ़िया दिन आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि गणेश जी के जो दिन होते हैं इनमें गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामना भी पूरी करते हैं। तो सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं हम गणेश जी को। देखो, खुश करने का सबसे अच्छा उपाय हम बताने वाले हैं। अगर आपको धन की प्राप्ति, यानी कि आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, आपके घर में धन नहीं रुकता है, धन की बरकत बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो भी गणेश जी के दिन हैं इनमें आपको क्या करना है, दुर्वा जो होती है आपको हरी दुर्वा की लेनी है। दुर्वा गणेश जी को इसलिए भी प्रिय है, देखो, क्योंकि दुर्वा में अमृत मौजूद होता है। गणेश जी अर्थवर्ष में कहा गया है कि जो व्यक्ति गणेश जी को पूजा दुर्वाकर से करता है, यानी कि पूजा करते समय दुर्वा चढ़ाता है, वो कुबेर के समान हो जाता है। गणेश जी को कम से कम 21 धूप, 2 शमी और 2 बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तुलसी जी गणेश जी को नहीं चढ़ाई जाती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप कोई भी मनोकामना बोल करके जब भी पूजा करते हैं तो आपको हरी दुर्वा अवश्य ही चढ़ानी है और एक दीपक जला करके हरी दुर्वा 21 उसकी जो डाली होती हैं वो आप ले लीजिए और गणेश जी को आप अपनी मनोकामना बोलकर चढ़ा दीजिए उनके। देखो, आप हाथ में रखें और सामने रखें, गणेश जी को मस्तक पर हरी दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, तो आपके घर में सदैव ही धन की प्राप्ति रहेगी। दूसरा, देखो, आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय है आपको शाम के समय ही करना है, आप चाहें सुबह भी कर सकते हैं इस उपाय को। आपको एक पीली कौड़ी ले लेनी है, पीली कौड़ी पूजा की दुकान से मिल जाती है, पीली कौड़ी ले लें, 1 सिक्का ले लें, 5 पीली कौड़ी ले लें और 5 कमलगट्ठा, इन सभी चीज़ों को लेकर के, और आपको 5 ही लौंग लेनी है। इन सभी चीज़ों को लेकर गणेश जी के सामने रखें और 1 पाव या 1/2 किलो लड्डू ले लीजिए, मोदक ले लें, लड्डू ले लें और दीपक जला करके आपको, देखो, श्री गणेश 40 आता है वो आप ले लें, और नहीं तो आप फ़ोन में निकाल कर भी कर सकते हैं इसको। आपको दीपक जला करके सबसे पहले तो उन सभी चीज़ों को गणेश जी के सामने किसी लाल कपड़े में रख दीजिए। इसके बाद आपको गणेश 40 का 5 बार कम से कम पाठ करना है, सिर ढक करके पाठ करें दीपक जला करके, और अपनी मनोकामना बोल करके गणेश जी के कान में अवश्य ही बोलें। तो आपकी जो भी संकट है, जो भी मनोकामना है, आपको वह बोलनी ज़रूर है। जब आपका 40 पूरा हो जाता है, गणेश 40, इसके बाद आपको पीली कौड़ी और वो वहीं पे रखा रहने दें, और जब पूरे 10 दिन यानी कि जितने भी दिन निकल गए उसके अगले दिन आप कर रहे हैं या तीसरे दिन कर रहे हैं, चौथे दिन कर रहे हैं, जितने भी दिन रह जाते हैं उनको वहीं रखा रहने दें। जब गणेश विसर्जन हो जाता है उस दिन आपको शाम के समय विसर्जन करने के बाद वह सभी चीज़ें उठा करके आपको अपनी तिजोरी में रख लेनी है, और गणेश जी को विसर्जन करते समय अपनी मनोकामना अवश्य ही बोलनी है, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ये गणेश जी के दिनों में आपको उपाय करना है, और जब आपको ये तिजोरी में रखना है तो गणेश विसर्जन के बाद ही आपको ये रखना है, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, धन की प्राप्ति होगी, कर्ज मुक्ति से छुटकारा मिलेगा, आपकी जो भी मनोकामना है उसको ही आपको बोलना है, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। ओम गणगणपते नमः। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी भक्त इसके बारे में जान सकें। इसके बाद देखो, आपने जो प्रसाद लिया है उसका भी भोग लगा करके आपको सभी को बांट देना है। ओम नमः शिवाय।